सो दोस्तों, YouTube अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हर दिन नया नया अपडेट करते रहता है, क्योंकि YouTube को पता है अभी जितने भी क्रिएटर है वो अपना चैनल मोबाइल से ही मैनेज करता है। तो YouTube चाहता है कि अपना YouTube का जो ऑफिशियल ऐप है उसमें सारा चेंजिंग करे, ताकि जितने भी क्रिएटर अपना चैनल जो मोबाइल से अपना मैनेज करते उनको आसानी हो चैनल मैनेज करने के लिए। और YouTube अभी क्या करता है, जो मोबाइल में जो YT स्टूडियो ऐप होता है उसमें भी नया नया अपडेट करते रहता है। पहले हमें कुछ YT स्टूडियो में कोई भी सेटिंग करना होता तो हमको डेस्कटॉप साइट में जाना पड़ता था, YouTube के स्टूडियो पेज ओपन करना पड़ता, लेकिन अभी क्या है, YouTube खुद अपने जो YouTube का जो ऑफिशियल ऐप है उसमें भी चेंजिंग करता है, और YouTube का जो YT स्टूडियो ऐप है मोबाइल ऐप है उसमें भी YouTube चेंजिंग करते रहते हैं, ताकि जितने भी क्रिएटर है जो मोबाइल से अपना चैनल को मैनेज करता है उनके लिए बहुत आसानी होगी। तो अभी YouTube का जो ऑफिशियल ऐप है उसमें भी बहुत सारा चेंजिंग आ चुका है। इस पर वीडियो बनाना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। इसमें जो फ्यूचर ऐड हुआ, इसमें जो नया अपडेट आया था, उस पर कई सारे लोगों ने वीडियो बनाए थे लेकिन मुझे शायद टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। आप देख सकते हो मैं अपने मोबाइल का ऐसे रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं यहां पे, और मैं देख सकते हो मैंने अपना चैनल यहां पे ओपन किया। अब मैं यहां पे चलता हूं अपने व्यूअर चैनल के ऊपर, मैंने ओपन किया यहां पे, ठीक है। अब मैं यहां पे इसका एनालिटिक्स ओपन करता हूं। देखो यहां पे एनालिटिक्स का जो ऑप्शन है ये पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे ही इसे ओपन करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से पेज यहाँ पे ओपन होता है, पहले इस तरीके से ओपन नहीं होता था, लेकिन अभी हमें ऐसे सब कुछ देखने को मिलेगा, हमारी कौन सी वीडियो रैंक कर रही है, ठीक है ना, कितना व्यूज़ आ रहे हैं, कितना वॉच टाइम हो रहा है, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम YT स्टूडियो में जाकर चेक करते, उसी तरह अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो YouTube का जो ऑफिशियल ऐप है योर चैनल पर जाके भी हम यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा नीचे योर ऑडियंस, कितने एज के लोग आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है ना, कौन जो जेंडर कितना मेल फीमेल कौन सा है, कौन वॉच कर, वो अभी आपको पता चल जाएगा, कौन कौन आपकी वॉच करता है, लड़का लड़की, ठीक है ना, आपकी वीडियो को। उसके बाद आप कंट्री भी आप चेक सकते हो, आपकी वीडियो जो कौन सी कंट्री से ज़्यादा, मतलब जितना ग्राफिंग होता है जो कितना कंट्री से लोग आ रहे हैं, मतलब अभी इंडिया से इतना आ रहे, पाकिस्तान से कितना आ रहे, हर कंट्री का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ आपकी वीडियो जो टॉप लेवल जो आपकी वीडियो होती टॉप रैंकिंग में जा रही वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो व्यूज़ वर्क वॉच टाइम वगैरह सब्सक्राइबर कितने आ रहे आपको इधर से ही पता चल जाएगा, आपको YT स्टूडियो जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो YouTube क्या चाहता है, जिसके जितने भी क्रिएटर है मोबाइल से मैनेज करते हैं उनको ऑफिशियल ऐप जो YouTube का है उसमें बहुत ही ईजी हो मैनेज करना अपने चैनल को, ठीक है। उसके बाद वीडियो पे क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पे वीडियो पे आएंगे तो वीडियो पे हमें पता चल जाएगा कितने व्यूज़ आए ले वीडियोज़ के ऊपर से, ठीक है ना, वॉच टाइम वगैरह सब्सक्राइबर सब मिलेगा। अगर आप शॉर्ट क्रिएटर हो, आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको शॉर्ट की भी पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, शॉर्ट से कितने व्यूज़ आए ले कितने लाइक वगैरह आए सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक जो नया ऑप्शन जुड़ा वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसका नाम है पोस्ट, ठीक है ना। पोस्ट अभी हम जब कमेंट ऐप में पोस्ट करते हैं तो देखो हमारे पोस्ट से कितने इंप्रेशन आते हैं, ठीक है। मैंने देखो अभी एक लास्ट एक महीने से मैंने कितने पोस्ट किया था, उससे मुझे 1600 इंप्रेशन आए ले इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है, जो मैं जितनी पोस्ट करता हूँ उससे लाइक कितना 82 लाइक आए ले, उससे सब्सक्राइबर भी आपको मिलता है। अभी मैं आपको एक पॉइंट की बात बता देता हूँ, पहले हमारे चैनल पर कमेंट ऐप नहीं मिलता था, 1000 सब्सक्राइबर के बाद मिलता था, ठीक है। तब हम परेशान होते थे यार मुझे कब मिलेगा कमेंट ऐप, ताकि मैं अपने कमेंट ऐप में अपने चैनल की लिंक लगा, वीडियो की लिंक लगा या कोई पोस्ट करूँ। अभी यूट्यूब ने क्या किया, 500 सब्सक्राइबर पे हमें कम्युनिटी ऐप मिल जाता है। फिर भी अभी लोगों को 500 सब्सक्राइबर कम्युनिटी ऐप मिला है फिर भी अपने कम्युनिटी ऐप में पोस्ट नहीं करते। मेरे कितने ऐसे व्यूअर्स हैं, मैं उनका चैनल देखा हूँ एक महीने तक वो भी अपने कम्युनिटी ऐप में कोई भी पोस्ट नहीं करते। भाई पोस्ट करो, पोल करो, उससे देखो आपको पता नहीं, अभी लाइव ग्रुप में आपको बता रहे, देखो आप जितने भी पोस्ट करोगे ना उसका इंप्रेशन लोगों तक जाता है। देखो मेरे यहाँ पर मैंने एक महीने में मैंने जितने भी पोस्ट किया है एक दो महीने में, तो देखो मुझे यहाँ पे 1600 इंप्रेशन आए मेरे पोस्ट का, ठीक है ना, जो मैं पोस्ट करता हूँ अपने जो पोल करता हूँ। तो देखो ये भी करना चाहिए, ये इसका भी इंप्रेशन होता है, लोगों तक जाता है, इससे भी आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइक भी आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें पोस्ट करना चाहिए, जब हमें पोस्ट कमेंट ऐप का ऑप्शन नहीं मिलता तो हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब यूट्यूब ने और ईजी कर दिया, 500 सब्सक्राइबर पर हमें कमेंट ऐप मिल रहा है, फिर भी लोग यार पोस्ट नहीं करते। पोस्ट करो यार, उसमें आप पोल करो, पब्लिक से पूछो आपका फेवरेट डिश क्या है, आपकी फेवरेट कार क्या है, कोई भी रीज़न पर यूट्यूब से रिलेटेड या आज आप कैसे हो, हैप्पी हो, खुश हो, सैड हो, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, कमेंट ऐप में पोल कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो आपकी जो पोस्ट की जो देखो ना इंप्रेशन लोगों तक जाती है, ठीक है ना, वो बंदा आकर फिर आपके चैनल पे आके आपकी वीडियो को भी देखेगा, उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो हमें पोस्ट करना चाहिए, कमेंट ऐप में लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, पोल करना चाहिए। तो ये देखो ये भी यहाँ पे पूरा ऑप्शन यहाँ पे नजर आए ला है। तो यूट्यूब नया नया अपडेट करते रहता है मोबाइल यूजर के लिए, क्योंकि यूट्यूब को पता भी जितने भी क्रिएटर है मोबाइल से अपना चैनल मैनेज करते हैं तो यूट्यूब अपडेट करते रहता है, जिससे हमें चैनल मैनेज करने बहुत आसानी होती है। देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर मुझे तो सिर्फ 1 ही सब्सक्राइबर मिला है, लेकिन अगर आपका पोस्ट अच्छा रहेगा, अगर आपके पास सब्सक्राइबर का बेस अच्छा है तो हो सकता है आपके जितने इंप्रेशन बढ़ेंगे उसको आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें पोस्ट करते रहना चाहिए ताकि उससे हमें सब्सक्राइबर मिलेगा, हमारे चैनल में थोड़ा ग्रो होने हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप पोस्ट भी करते रहना अपने कम्युनिटी टैब में, ठीक है। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, अपडेट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले हम YT स्टूडियो में जाना पड़ता था, लेकिन अभी YT स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं। अब देख सकते हो यहाँ पे YT स्टूडियो का भी ऑप्शन आया है, लेकिन अभी हम अपने जो YouTube का जो ऑफिशियल ऐप है उसी से हम अपने पूरा एनालिसिस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।